अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं अबाउट पिजन और आज मैं आपको बताऊंगी कबूतर के सर्दी के ट्रीटमेंट। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये वाकई कबूतर के सर्दी हैं या कुछ और, तो चलिए जानने के लिए वीडियो को करते हैं शुरू। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो डालती रहूँगी जो आपके कबूतर के हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। मैंने लास्ट वीडियो में एक बीमार कबूतर को दिखाई थी, आज उस कबूतर के ही ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट का रिजल्ट आप लोगों को दिखाऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो की हर एक बात को गौर से सुनिए, क्योंकि ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये है हमारी वो कबूतर जो ऐसे बीमार थी, ऐसे मुंह खोलकर सांस लेते हुए देखकर ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ये कबूतर की सर्दी है। लेकिन कबूतर की सर्दी बहुत ही कम होते हैं। ये बीमारी माइक्रोकॉकाई नाम की बैक्टीरिया से फैलते हैं, इसे डिप्थीरिया कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक है, एक कबूतर से और एक कबूतर में बहुत ही जल्द फैलते हैं। ये बैक्टीरिया कबूतर के पूरा बॉडी में बहुत ही फास्ट अटैक करते हैं और हार्ट, लीवर, लंग्स को पूरी तरह से जकड़ लेते हैं। उसके बाद कबूतर सांस बंद होकर मर जाते हैं। इसीलिए ट्रीटमेंट को जल्द शुरू करना चाहिए और प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। ये थी उस कबूतर की ड्रॉपिंग। ड्रॉपिंग को देखकर ही पता चलता है कबूतर की क्या बीमारी है। 99% बीमारी का पहचान होता है कबूतर के ड्रॉपिंग देखकर, और हमें पता है इसे डिप्थीरिया है, पिजन की डिप्थीरिया। और इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए हम जो मेडिसिन यूज़ किया है, एजिथ्रोमाइसिन ग्रुप के एजीमैक्स 200 ड्राई सिरप है। आप एजिथ्रोमाइसिन 200 के कोई भी ड्राई सिरप यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ होम्योपैथी मेडिसिन कालीमूर 6X टैबलेट भी हमने यूज़ किया है। ये टैबलेट और सिरप एक साथ देने से बहुत ही जल्द कबूतर ठीक हो जाते हैं। सिरप 1 ml करके दिन में 3 बार और टैबलेट भी एक बार में 3 टैबलेट एक साथ देंगे दिन में 3 बार, कंटिन्यू 7 दिन तक हम देंगे। किसी किसी कबूतर के 7 दिन से ज़्यादा भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। कबूतर जब ठीक हो जाए तो उसे हम लगातार 10 दिन लीवर टॉनिक देंगे। कबूतर के ठीक होने के बाद कभी कभी ये बीमारी फिर से हो सकती है, इसीलिए ठीक होने के बाद कबूतर को ठीक तरह से केयर हम करेंगे। और एक बात, ट्रीटमेंट के साथ लिक्विड फूड हम देंगे मेडिसिन देने के आधा घंटे पहले या आधा घंटे बाद। लिक्विड फूड बहुत ही ज़रूरी है। लिक्विड फूड या मेडिसिन देने के बाद कबूतर उल्टी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम कोई मेडिसिन नहीं देंगे। मेडिसिन देने के 2 दिन बाद ये रिज़ल्ट है। आप ड्रॉपिंग देख सकते हैं, पहले से बहुत ही अच्छा है। अभी भी हम 5 दिन तक कंटिन्यू मेडिसिन देंगे। और एक बात, ट्रीटमेंट के साथ कोई भी विटामिन एंड मिनरल्स हम यूज़ नहीं करेंगे। और मेडिसिन देने के 5 दिन बाद ये रिज़ल्ट है। ड्रॉपिंग पूरा ही नॉर्मल है, कबूतर हमारा पूरी तरह से ठीक हो गई है। आप देख सकते हैं ये अकेला खा भी रहा है। इसके बाद भी 2 दिन हम मेडिसिन देंगे, क्योंकि मेडिसिन के 7 दिन का कोर्स होता है। ये 7 दिन हम पूरे कोर्स पूरी करेंगे। उसके बाद 10 दिन कंटिन्यू हम इसे लीवर टॉनिक देंगे। फिर मेन लॉक में ले जाने से पहले इसे हम अच्छी तरह से नहलाएंगे, हर एक फेदर हम अच्छी तरह से धोएंगे, उसके बाद ही हम अपने मेन लॉक में इसे ले जाएंगे। तो आज इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।